हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्टो मैथी जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोविड क्राइसिस का, लॉकडाउन का हमारी आईवीआर इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा है एंड क्या लॉकडाउन के बाद में हमारी स्पेक्टिकल के प्राइस हैं वो डबल हो चुके हैं, स्पेक्टिकल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आई रिलेटेड, कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी ऑप्टिकल इंडस्ट्री पर, आईवीआर इंडस्ट्री पर कोविड क्राइसिस का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड क्राइसिस वर्ल्ड क्राइसिस रही है, तो ऐसे में आईवीआर इंडस्ट्री पर इसका इफ़ेक्ट पड़ना नॉर्मल सी बात है। और जो हमारी स्पेक्टिकल में मोस्टली ब्रांड्स हैं वो बाहर से आती हैं, मोस्टली ब्रांड इंग्लैंड से आती हैं। इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन रहा एंड कोविड क्राइसिस रहा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बंद रहा, जिसकी वजह से हम कोई भी ब्रांड इंग्लैंड से अभी तक प्रॉपर वे में नहीं मंगा पा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह काफ़ी चीज़ें खुल चुकी हैं और अभी बाहर से माल आना भी स्टार्ट हो चुका है, बट उस लेवल पे अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है जिस लेवल पे पहले हो रहा था। एंड जैसा आपको पता है कि कोविड क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्री में काफ़ी लॉस भी रहा है, बिकॉज जो भी हमारे पास में अवेलेबल स्टॉक था उसको सेल आउट करने में भी प्रॉब्लम रही है। होलसेल हो, रिटेल हो या फिर किसी भी सेक्टर में, सबको कहीं ना कहीं लॉस झेलना ही पड़ा है। एंड अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें तो उसमें भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो पाए, बिकॉज कोविड में लॉकडाउन रहा, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में शॉपिंग करना तो ऑब्वियसली सी बात है कि बंद ही हो जाएगा। लेकिन क्या इसकी वजह से इंटरनेशनल ब्रांड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं? अभी जैसे आप सभी को पता है कि लॉकडाउन हट चुका है काफ़ी जगह पर और फिर से हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर क्या ऐसे में हम आईवीआर की स्पेक्टिकल्स खरीद सकते हैं या फिर नहीं? तो अभी इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें तो मोस्टली हमारे इंग्लैंड से आते हैं और अदर जो स्पेक्टिकल लेंसेज हैं वो चाइना से आते हैं। तो ऐसे में हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी नॉर्मल हो चुका है, खुल चुका है, बट अभी रिटेलर्स के पास में पहले से ही स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए वो कोई भी नया स्टॉक परचेज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप स्पेक्टिकल्स परचेज करने जाते हो तो उनके पास में जो स्टॉक पहले से है वही आपको मिलेगा, तो उसमें आपको प्राइजेस बढ़े हुए नज़र नहीं आएंगे। सेम ब्रांड जो आप पहले परचेज करते थे सेम ब्रांड में आपको अभी भी मिलेगी। आप बढ़ कब सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी ब्रांड का स्टॉक ख़त्म हो चुका है और वो अगर न्यू उन्होंने परचेज़ किया है और वहाँ से ब्रांड का अगर प्राइस बढ़ा हुआ है तो ही आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी तक किसी भी ब्रांड ने अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। उसका रीज़न इतना सा ही है कि उनके पास में पहले से स्टॉक है, उनको अभी न्यू मैन्युफैक्चरिंग करना ही नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो आपको नए प्राइस दें। तो आपको अगर ब्रांड्स पहनने का शौक है तो आप ज़रूर परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगभग सेम प्राइस में ही अपनी ग्लासेस हैं, सनग्लासेस हैं, वो मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो इंडियन ब्रांड हैं या जो इंटरनेशनल ब्रांड नहीं हैं, जो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो क्या उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे या फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस में वेरिएशन आई है? तो उसका भी आंसर नो ही है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से कहीं पर भी बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई है और सब अपना स्टॉक सेल आउट करना चाह रहे हैं, बिकॉज फिर वो ट्रेंड से चला जाएगा तो वो भी उस स्टॉक का क्या करेंगे। तो ऐसे में इस टाइम पर अगर आपके ग्लासेस टूट चुके हैं तो आपको ज़रूर बनवानी चाहिए, आपको बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतने टाइम बाद
परचेज करेंगे आपको सेम प्राइस में ही स्पेक्टिकल मिल जाएंगे। अगर आपको डिफरेंस लगता है तो वो रेयर हो सकता है, वो भी एक दो ब्रांड में हो सकता है, चाहे वो इंडियन ब्रांड की हम बात कर लें। अगर पर्टिकुलर किसी इंडियन ब्रांड ने अपनी किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया है तो वो सिर्फ उसमें ही आपको प्राइस में डिफरेंस मिलेगा, बाकी नॉर्मल आपको स्पेक्टिकल्स में प्राइस में वेरिएशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आपका भी ये क्वेश्चन रहा था कि कंफ्यूजन रहा था कि लॉकडाउन की वजह से कहीं स्पेक्टिकल्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा वेरी तो नहीं कर गए हैं, तो उसका आंसर आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। So thank you so much. Bye bye. Take care of yourself and your eyes. Thank you.